श्री शिवाय नमः। पुराण की कथा कह रही है कि दुनिया के सारे तीर्थ नहीं जा सकते, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान नहीं कर सकते, पवित्र नदियों में आप स्नान नहीं कर सकते, या किसी भी तीर्थ में जाकर एक रात्रि भी विश्राम नहीं कर सकते, या हमने जिंदगी में कोई दान करा ना करा, कोई पुण्य करा ना करा, कोई सत्कर्म करा ना करा, कोई शास्त्र पढ़ा ना पढ़ा, कोई शास्त्र सुना ना सुना, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन में अगर मात्र एक बार भी आप शंकर के शिवालय में प्रवेश कर गए या मंदिर में प्रवेश कर गए, तो सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारी बावड़ी, सारे तालाब, सारे कुंड के स्नान का पुण्य, दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। केवल शिव तत्व को प्राप्त कर लेने। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि घर में जो दिया होता है वो दीपक भी कोई साधारण नहीं होता, उस दीपक की भी महत्वता, उस दीपक का भी वर्णन है। महाराज एक बात और बहुत अच्छे से सुनिए, शायद आपकी जिंदगी को सवार, शायद आपके जीवन को सवार। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी कभी मौका लगे शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, जहां तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है, मारा, तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, कभी मौका लगा और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने के लिए, और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने, अरे बोलो तो जमके, देखा है कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हुए, तभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप पांच जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो पांच स्थान, वो पांच स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया विषहरा श्यामली बारी दौतली देव, शंकर जी की पांच बेटियों का, और पांचवे नंबर का है शंकर भगवान के जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के तीन भाग होते हैं, करें दर्शन आप लोगों ने, जैसे सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो तीन भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको, त्रिशूल का जो तीन भाग होता है, उस तीन भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, तीन भाग का जहां मिलन होता है, पंचम स्थान ये पांचवा स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम तीन महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है तीन दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। तीन महीना बहुत दूर, पर करना है दिल से। और कई तरह के दीपक होते हैं, दीपक का भी विधान वर्णन किया गया, उस दिए का भी वर्णन किया गया, यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है, मारा, तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में
धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा सको। केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा बच्चे का। बड़ी बेचैन दिख रही हो तुम, क्या बात है? पार्वती जी कहती है, देवव्रत काश्मीर प्रदेश का एक भक्त, देवव्रत बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आपका मंत्र जाप कर रहा। मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी, पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, सरस्वती वीणा बजाती है, इंद्राणी उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल का सिंचन करती है, 33 कोटि देवी देवता उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में विराजमान होते हैं। इसलिए देवव्रत एक बार पंचाक्षर मंत्र बोलता है तो वो 33 करोड़ बार गिना जाता है, ऐसा बेलपत्री का वृक्ष होता है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार अगर भगवान का नाम लिया जाता है तो वो 33 करोड़ बार, 33 कोटि बार गिना जाता है। एक मंत्र केवल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 33 कोटि बार गिना है। 33 कोटि, कितना सुंदर लिखा है। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कथा में कहा, अपने लिए अच्छा वाला घी छाट के लाना, अच्छी कंपनी का लाना, और जब यज्ञ करने बैठे, पूजन करने बैठे, हवन करने बैठे, भगवान का कोई पाठ पूजन करवाई, पूजा वाले दुकान पे बोलना कि पूजा का घी चाहिए, तो वो पूजा का सामान बेचने वाला भी तच्चतुर था, उसने पूजा का ही घी दिया। तो इन्हें पूछा, भैया ये घी कितने का? तो क्या 80 रुपए का। तो 80 रुपए का आधा किलो? तो क्या पूजा का है? विचार करिए जरा अब, और मांग कितना रही है, बस बेटा सीए में पास हो जाए भगवान, इसीलिए मैंने पूजन कराई। अब भगवान बोल रहे 80 रुपया का घी हमको लगा रही चूना, 80 रुपया का, और वो पूजन वाले की दुकान पर जाकर घी का दिया लगाइए अगर 40 का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का, और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, इसका पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया, हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर, बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। अरे हमारे सीओर में घड़ी पूजा की दुकान है, हम अब कई परिचित हैं उनके यहाँ चले जाते हैं, हमने पूछा क्यों तुम्हारे तो सारा अगरबत्ती रखी, धूप बत्ती रखी, दिया बत्ती रखी, सारी रखी, ये घी का पैकेट भी रखा, उसमें नाम भी लिखा है, ये काय का घी असली है भगवान की? अरे गुरु जी कोई असली है, बस घी है उस पर लिखा है शुद्ध घी, तो है शुद्ध घी तो लिखा है, पर ये कितने का है? 63 रुपए का डब्बा है। हमने कितने किलो का? आधा किलो का। वाह, काय के लिए होता है क्या? लोग लेके जाते हैं हवन पूजन के लिए। हमने भी सोचा वाह रे विश्वनाथ वाह, क्या किए, एक बंगला बना दो भोलेनाथ, सर्विस लग जाए भोलेनाथ, फिर के बहू का छोरा हो जाए भोलेनाथ। अब भोलेनाथ जी से पूछा ये देते क्यों नहीं, तो भगवान भी बोले बस वो पूजा वाली दुकान का 80 रुपए में काम चला रही है और ढेरों का मांग रही। अब बताओ तुम सोचो कि भगवान क्यों प्रसन्न नहीं हो रहा। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, तुम भगवान को लाखों का मत दो, करोड़ों का मत दो। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा कि मुझे करोड़ों का रुपया देना, भगवान कभी आकर नहीं बोलता कि मुझे लाखों का धन देना, भगवान कभी आकर नहीं कहता कि मुझे आभूषण देना, भगवान कभी आकर नहीं कहता कि मुझे वस्त्र देना, भगवान केवल एक बात कहता है कि तुम अपना दिल देना, अपना मन देना, चित्तवृत्ति देना। तुम अपना मन तो दो, अपना भाव, अपना दिल, अपनी वृत्ति, अपना चित्त भगवान को दो। पर महाराज वही तो नहीं दे पाते, दिक्कत तो वही है ना, सबसे बड़ी बात तकलीफ तो यही। लोग कहते हैं कि शंकर भगवान को केवल व्यक्ति एक बेलपत्र देता है, एक लोटा जल देता है, पर पद्म पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, जिनके अंदर लिखा है एक बेलपत्र हम शिव को देते हैं, शंकर भगवान को एक बेलपत्र देना उतना ही बलवान है जैसा एक सालिग्राम भगवान को सोने के सिंहासन पर रखकर किसी ब्राह्मण को हम दान करते हैं, उसके बराबर एक बेलपत्र शिव को चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। के बराबर का फल हमको केवल एक बेलपत्र से प्राप्त हो जाता है भगवान, एक बेलपत्र से प्राप्त हो जाता है। पूजन करते समय, तुलसी को जल चढ़ाते समय,
अभिषेक पूजन करते समय घर में आप पूजन कर रहे हैं उस समय पर तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर पीपल की पूजन कर रहे हो, उस समय पर बेलपत्री का पूजन कर रहे हो, उस समय पर आंवले का पूजन कर रहे हो, उस समय पर या कोई पूजन भजन आप कर रहे हैं उस समय पर दरवाजे पर अगर तीन सामने खड़े हो जाते हैं तो ये समझ लेना कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया। कौन तीन है उसका स्मरण करिएगा। पहला, पूजन करते समय, भगवान की आराधना करते समय अंदर मंदिर में अपने घर में बैठकर आप भगवान नहला रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, पूजन अर्चना कर रहे हैं, तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर तीन का दर्शन अगर आपको हो जाता है, आपके दरवाजे पर अगर आ जाते हैं तो आपका समझ लेना पूजा स्वीकार हो गया। पहले नंबर पर पूजन करते समय दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी हो जाए, समझ लो तुम्हारा पूजन सफल हो गया। आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गाय रंभा रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गौमूत्र कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गोबर कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से और गाय दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, तुम्हारी अर्चना में, तुम्हारी आराधना में, तुम्हारी साधना में गौ माता तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए, पूजन के समय पर अचानक आकर तुम्हारे द्वार पर, तुम तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। और मेरा विश्वास कहता है, यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, यहां जितने मेरे जीजा बैठे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है आपके साथ कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा, पूजन के समय पर गौ माता का दर्शन होता ही, ये मेरा विश्वास कहता है। और ये कब होता है? जिस दिन आपका चित्त मन वृत्ति भगवान में रमी हो, चाहे तुम राम जपो, हनुमान जपो, शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो, तुम देवी की भी पूजन कर रहे हो, किसी की देवता की पूजन कर रहे हो, कुल देवता की पूजन कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो ये तीन का अगर दर्शन हो जाए तो कार्य सफल है। पहला, जम के बोलो, गौ माता। दूसरे नंबर पर हमारे यहां हम पूजन में लगे हुए हैं, आराधना में लगे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की पूजन आराधना और भक्ति में हम तल्लीन हैं। और दूसरे नंबर पर उस पूजन करते समय पर तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो समझ लो पूजन सफल हुआ है। क्या बहन बेटी के आने से पूजन सफल हो सकता है? कहां लिखा हुआ है महाराज जी? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हो, पूछने वाले पूछ सकते हैं, कहने वाले कह सकते हैं, आपने कैसे कह दिया कि बहन बेटी के आने से सफल हो जाता करे? तो आप उठाओ, हिमालय राज का बेटा बाणासुर से दोस्ती कर लेता, माता पार्वती का भाई बाणासुर से दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती कर लेता है तो उसके चुंगल में फंस जाता है, बाणासुर के चुंगल में, भाई संकट में आ जाता है। आज हिमालय राज और मेनावती दोनों बैठकर भगवान की आराधना कर रहे थे, इतने में पार्वती का आगमन हो जाता है। पार्वती ने आते से ही देखा, पिताजी आप आराधना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, किस लिए, क्यों? मैनावती ने कहा, तेरा भाई संकट में घिरा हुआ है। पार्वती ने कहा, क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो? पिताजी मैं आई हूं ना, चिंता मिटा दूंगी, चिंता मिटा दूंगी, आप चिंता ना करें। क्या हुआ? बाणासुर तेरे भाई को कष्ट दे रहा। बेटी पार्वती ने संकल्प ले लिया, उस बाणासुर का अंत मैं करूंगी। ना भगवान ब्रह्मा बाणासुर को मार सके, ना भगवान कृष्ण बाणासुर को मार सके। बाणासुर की कन्या भगवान कृष्ण के पास में, वहां उनके पौत्र के पास में गई, भगवान कृष्ण का युद्ध बाणासुर के साथ हुआ, हजार भुजा, तो बाणासुर को भगवान कृष्ण नहीं मार सके। बाणासुर को ना नारायण मार सके, ना ब्रह्मा मार सके, बाणासुर को ना शंकर मार सके, क्योंकि शिव ने तो वर दिया था, बाणासुर को केवल मारा है। कोई तुमसे पूछे कि सियोर वाले महाराज ने कहा कि बहन बेटी के पूजन करते समय अगर बहन बेटी आ जाती है, पूजन करते समय हमारे घर की बहन बेटी, तुम्हारे कुल की बहन बेटी, तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ गई, भले तुम उसको कुछ दे,
मत दो, पर बहन बेटी अगर तुम्हारे पूजन के समय पर तुम्हारे दर, क्यों क्यों आप लोगों के ऐसा नियम है कि नहीं हमको नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि जब भी घर में कोई बड़ा आयोजन होता है, शादी होती है, फंक्शन होता है, कोई उद्यापन होता है, कोई चीज बड़ी करते हैं, तो सबसे पहले फोन बहन बेटी को लगाते हैं कि हमारी बहन हमारे यहाँ आए, हमारी बेटियाँ, हमारी नंदे हमारे यहाँ आए।